इसका जितना ये आगे बम्पर निकला हुआ है इसको हम नॉर्मली ओवरहैंग बोलते हैं, यानी कि इसके टायर के आगे आप कितना ओवरहैंग है। तो अब ये इंक्लाइन है, आप देखिए, ठीक है, मान लीजिए इंक्लाइन तो ये इतनी है, अगर ये इतनी होती, मान लीजिए इतनी होती, तो अभी इसका बम्पर टकरा गया होता, टायर तो दूर है। ये है देखिए इसका अप्रोच एंगल, समझ लिए, ये इतनी इंक्लाइन ले सकती है, अभी जो इंक्लाइन है ये इतनी है, तो ये आराम से चढ़ जाएगी। इससे ज्यादा होगी तो पहले इसका बम्पर टकराएगा तो आप चढ़ नहीं पाएंगे, तो आपको एक एंगल बना के लेनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो इतनी मैं इनफैक्ट अभी थोड़ी गाड़ी आगे लेके दिखाता हूं आपको, इनफैक्ट एंगल ऑफ अप्रोच आपका इस पे तो मैटर कर रहा है, जब आप नीचे आ रहे हैं, नीचे आने पे भी बम्पर तो नहीं लग रहा है, जितना अच्छा एंगल ऑफ अप्रोच जितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा है, ठीक है, ये और सेडान्स का फॉर एग्जाम्पल अगर आप होंडा सिविक या होंडा एकॉर्ड की बात करेंगे, जितनी भी लो स्लंग सेडान्स हैं उनका समझ लीजिए इतना होगा, एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से भी आराम से निकालना होता है आपको, ठीक है। तो इसको दो मिनट के लिए आगे लेता हूँ, आपको समझ में और आ जाएगा। देखिए मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, अच्छी खासी आगे बढ़ा दी है। अब आप ये देखिए, ये पहले कहाँ थी और अब ये जहाँ पर है, और आप देख रहे हैं कि आराम कितना अभी भी, मतलब यानी कि ये और ज़्यादा स्टीप होती तब भी आराम से चढ़ जाती, बहुत अच्छा एंगल ऑफ अप्रोच है। अब आपको एक बार एंगल ऑफ डिपार्चर भी दिखा देता हूँ फटाफट। तो आप देखिए अभी ये इंक्लाइन पे खड़ी कर रखी है मैंने, आपको अंदाजा हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जब ये ऐसे दिखाता हूँ, अब जब ये ऐसे जाएगी, मान लीजिए ऐसे होती, ऐसे आने के बाद जब ये ऐसे होती, तो जब सीधी होती गाड़ी तो बम्पर पीछे लगता नहीं लगता, और भी स्टीप होती तब भी नहीं लगता, क्योंकि एंगल ऑफ डिपार्चर भी इसका अच्छा खासा बेहतर है, एंगल ऑफ अप्रोच ज़्यादा अच्छा है, एंगल डिपार्चर भी ठीक ठाक है। और जितनी हमने ऑफ रोडिंग करी तो ना एंगल ऑफ अप्रोच कम पड़ा ना एंगल ऑफ डिपार्चर कम पड़ा, ठीक है। फटाफट इसको नीचे उतार के आपको और दिखा देता हूँ, या इसको यहाँ फोन कर रखूँ। उम्मीद करता हूँ आपको एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अप्रोच और एंगल ऑफ डिपार्चर समझ में आ गया होगा। और भी आपके आप चाहते हैं, इनफैक्ट मैं और बाकी जितने भी 4x4 टर्म्स हैं और जितने भी चीज़ें मैटर करती हैं उन सब के बारे में वीडियोस बनाऊंगा, और उनके अलावा भी आपको कोई वीडियो बनवाना हो आप बताइएगा मुझे और ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए जल्दी मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड लाइक कॉमेंट कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।